hello friends welcome to Dan Law. today we are going to discuss part 19 constitutional law 1000 mcq series is going on so question number 541 the law declared by the supreme court is binding on all the courts within the territory of india but the supreme court is not bound by its own decisions was decided by the supreme court itself in yes supreme court द्वारा ये डिसाइड किया गया था कौन सा केस में केसवा नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण माधव राव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार सो इसमें डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजनस है जो डी डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाई इट्स ऑन डिसीजन ओके सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने डिसीजन के लिए बट इट इट वॉज डिसाइडेड इन विच केस ओके बेंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इज करेक्ट आंसर ओके देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने डिसीजन के लिए भी कम टू नेक्स्ट वन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पर्जेस्ड बाई ये है सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट ओके आंसर इज बी कम टू नेक्स्ट वन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर नन अदर देन गवर्नर ऑफ द स्टेट पीपल ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाहिर सी बात है गवर्नर ऑफ स्टेट प्रेजिडेंट यूनियन में और गवर्नर स्टेट में जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कम टू नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 356 क्या बात करता है स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रोविजन्स इन केस और फेलुअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेनरी इन स्टेट अगर स्टेट में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही है यानी कि जो संवैधानिक तौर से जो राज्य चलता है अगर उस चीज़ पे कहीं ना कहीं दखल हो रहा है यानी कि वहाँ पे फेलुअर है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेनरी का तब स्टेट एमरजेंसी लगता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट इसको इम्पोज करते हैं so सो अगर प्रेजिडेंट को ऐसा लगता है तो वो रिपोर्ट मांगते हैं मतलब गवर्नर से और वहाँ पे इम्पोज करते हैं ओके okay, ये सिंपल सा फंडा है पर ये जो बात किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट जो पावर ऑफ प्रेजिडेंट है रिगार्डिंग आर्टिकल थ्री कौन सा सही है ध्यान से देखिए पहला हमें बता रहा है इफ़ द चीफ मिनिस्टर इज इन स्पाइट ऑफ कमांडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट रन हिज गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी नो इफ द लॉ एंड ऑर्डर इफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन देखिए कितना अच्छा चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन द प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी तो ये सही हो जाएगा जैसे मैंने बताया कि फेलअर अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेनरी का बिल्कुल वो एक तरीके से उसमें मेंशन किया है और ये जो पीरियड है टाइम पीरियड जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी तो ये टाइम पीरियड छः महीने से लेकर तीन साल तक कंटिन्यू हो सकता है सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा रहा है पंजाब में और सबसे ज़्यादा बार बिहार में या झारखंड में ऐसे ही लगा है आप चेक कर लीजिएगा इसको सो ऑल राइट कम टू नेक्स्ट वन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज हैज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रीजन्स हैव टू बी कॉम्युनिकेटेड टू द लेजिस्लेचर बाय द गवर्नमेंट इफ द एडवाइस ऑफ द पब्लिक सर्विस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इनमें से कौन सा ऐसा केस में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट द रीजन्स हैव टू बी कॉम्युनिकेटेड टू द लेजिस्लेचर बाय द गवर्नमेंट इफ द एडवाइस ऑफ द पब्लिक सर्विस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड यह केस था जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आशा कौ, अ, कौल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जगतारा सिंह वर्सेज डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एच मुखर्जी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कौन से केस में था ये ये था जयशंकर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार कम टू नेक्स्ट वन द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज़ जो ऑर्डिनेंस यानी या अध्यादेश लाने का जो पावर है यानी कि ऑर्डिनेंस का ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर है लेजिस्लेटिव पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है या कोई भी इनमें से नहीं है देखिए जाहिर सी बात है ये है लेजिस्लेटिव पावर कम टू नेक्स्ट वन गिव करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा सही है बताइए द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द रियल हेड ऑफ यूनियन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सही द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द रियल हेड ऑफ यूनियन और प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया इज द मरली अ नॉमिनल हेड ऑफ़ द यूनियन सो करेक्ट आंसर इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेरली अ नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन ओके प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें आर्टिकल फिफ्टी थ्री पढ़ लीजिएगा इसमें बताया गया सारी चीजें ओके कम टू नेक्स्ट वन अ पर्सन हु होल्ड और हु हैज हु्ड ऑफिस एज अ प्रेजिडेंट सेल नॉट इलेजेबल फॉर री इलेक्शन बी इलेजेबल फॉर री इलेक्शन एज अ प्रेजिडेंट बी इलिजेबल फॉर री इलेक्शन एज प्रेजिडेंट आफ्टर द गैप ऑफ वन टर्म नन अब देखिए दोबारा बन सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो इसमें होगा री इलेक्शन हो सकता है वो दोबारा ही कैन बी इलिजेबल फॉर री इलेक्शन एज अ प्रेजिडेंट ओके कम टू नेक्स्ट वन द गवर्नर इज फ्री टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाई गिविंग रेजिग्नेशन बट ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेजिडेंट एट हिज फेल बाय इम्पीचमेंट इन पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर नन गवर्नर को कैसे हटाया जा सकता है कैसे हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा या फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाएगा पार्लियामेंट में या फिर चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस एड एंड एडवाइस से हटेंगे तो बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे ये यह हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर जाहिर सी बात है कम टू नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट पावर ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओके okay. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि स्टेट पावर को दर्शाता है रिजर्वेशन से रिगार्डिंग एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कास्ट कैन बी सोल कैटेरियन पॉवर्टी कैन बी सोल कैटेरियन अब क्या कैटेरिया होगा बोथ कास्ट एंड पॉवर्टी आर रिलेवेंट कैटेरिया सो रेसिडेंस इन रूरल एरियाज एंड लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज कैन बी द एक्सक्लूसिव कैटेरिया क्या होगा तो यहाँ पे है बोथ कास्ट और प्रॉवर्टी दोनों हैं ओके okay. कास्ट भी है एज वेल well एज़ प्रॉवर्टी दोनों है जो कि रिलेवेंट क्राइटेरिया है रिगार्डिंग जो कि रिजर्वेशन है एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओके okay. एक तो गरीबी है बहुत भूखमरी है गरीबी है जिसके वजह से कुछ कास्ट के लोग बैकवर्ड रह गए उनको कास्ट बेसिस पे भी आगे बढ़ाना है और जो प्रॉवर्टी की वजह से पीछे हैं उनको भी एक तरीके से रिजर्वेशन है जैसे ई के बारे में जो टेन परसेंट कोटा है ई का वो क्यों मिला क्योंकि जनरल कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे जिनके पास जो प्रोवर्टी लाइन में थे तो उनके लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन आया बाकी अदर कास्ट लाइक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जानते ही हैं जैसे कि ये आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज फ़ो में इसका इसकी जिक्र की गई है सिक्सटीन क्लॉज फ़ोर पढ़िएगा वहाँ पर ओ के बारे में बताया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार सिक्सटीन क्लॉज फोर या फाइव सिक्सटीन क्लॉज फोर ही होगा If I am not wrong, come to question 551. Next one. If the president wants to tender his resignation before expiry of his nominal term, he has to address the same to Chief Justice of India, Parliament, Vice President, none. इफ़ प्रेजिडेंट वॉन्ट्स टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज नॉमिनल टर्म अब राष्ट्रपति किसी को रे, राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देना चाहते हैं उनका टर्म जो टेन्योर है वो खत्म नहीं समाप्त नहीं हुआ है उनकी अवधि यानी कि उनके जो टेन्योर है वो समाप्त नहीं हुई है तो ये किसको देंगे रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट वाइस प्रेजिडेंट नन सो ये हो जाएगा वाइस प्रेजिडेंट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नीदर कन्फोर्स एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटीज नॉर कैन इट बी ऑफ एनी यूज ऑफ इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केस ऑफ एम्बिग्यूटी अस्पष्टता जब कभी भी आएगी तो कहीं ना कहीं प्रियम्बल को रीड किया जाएगा बिकॉज प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब जैसे आपने केस केशवानंद भारती का केस पढ़ा था हाँ तो उसमें बताया गया प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको बदला नहीं जा सकता है आर्टिकल तीन के तहत यानी कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 आप कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक हिस्सा को बदल सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेज आए जब से संविधान बना था यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब से इनैक्ट इन्फोर्स हुआ सिंस डैट टाइम 51 का केस आ गया चंपकरण वाला फिर चंपकरण के बाद आ गया संक्री संक्री प्रसाद का फिर गोलकनाथ का फिर केशवानंदा भारती उससे पहले ही बहुत सारे केसेज आए थे पर ये चार पांच प्रोमिनेंट केस लो हैं और सबका ग्राउंड सेम ही था कहीं ना कहीं कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन right हो रही है चाहे तो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर एस सी को एक तरीके से फिफ्टीन क्लॉज फोर में डाल देना वो भी एक चीज़ था तो हर चीज़ को ऐसे देखते हुए सारा का ग्राउंड सेम ही था पर वहां पे एक चीज़ बता दिया गया कि प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और वहाँ पे अमेंडमेंट की भी जिक्र हो रही थी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट और आर्टिकल 13 में क्योंकि आर्टिकल 13 बात करता है कि कोई कानून अगर आप बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब मेल खाता हो अगर इनकंसिस्टेंट कोई भी एट द एक्सटेंट कोई भी चीज़ उसमें हिस्सा जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल right राइट्स तो उसको नल एंड करा दिया जाएगा यानी कि उसको लागू नहीं किया जाएगा उसको उसको लॉ कह ही नहीं सकते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है बस कि चंपकरण वाला केस हो चाहे शंकरी प्रसाद का हो चाहे गोलकनाथ का हो चाहे केशवानंदा भारती का हो ये सारे केस का ग्राउंड सेम ही था पर समय दर समय धीरे 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 खत्म हुआ राइट टू प्रॉपर्टी को भी एक बार नहीं ख़त्म किया गया पहले नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया जो मतलब एक सबसे पहले तो वहाँ पर एक्ट पास करके उसको लागू करवाया जाता था कि प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है किसी की पहले तो फंडामेंटल राइट था तो प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करना चाहती है तो उसमें क्या होता था कि पार्लियामेंट को एक्ट पास करना पड़ता था उसके लिए और किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए क्योंकि नाइन्थ शेड्यूल में वहाँ पे कुछ चीज़ें डाल दी गई थी अब आर्टिकल थर्टी नाइन में भी जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो वहाँ में भी वहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट डालकर उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया उसको उसकी उसी को चैलेंज करने के लिए चंपाकरण या फिर आप बोलिएगा शंकरी प्रसाद का केस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था फिर उसके बाद गोलकनाथ आया तो बहुत बड़ा ये टसल था वहाँ पर वो तीस साल यानी कि जो नाइन्टीन से फिफ्टी से लेकर नाइनटी सेवेंटी या नाइनटी एट्टी तक कर लीजिए ये जो समय चल रहा था वो वही पीरियड चल रहा था थर्टी ईयर्स अराउंड ओके तो यह बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा इस पर सो so, चलते हैं नेक्स्ट पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है ओ oh, यह हो जाएगा डी प्रेमेसी इज गिवेन ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्लॉज बी एंड क्लॉज सी आर्टिकल थर्टी नाइन ओवर द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड इन आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल नाइनटीन अब 39 नाइन क्या बात करता है 39 नाइन की अगर बात करें तो 39 क्या बात करता है बताइए ये, ये बात करता है सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई स्टेट बहुत सारे पॉलिसी है दैट द सिटीजन लाइक मेन वीमैन इक्वली होना चाहिए उनका राइट right, एडुकेट पर्याप्त मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं तो जैसे कि इसका 39 नाइन का क्लॉज बी और क्लॉज सी को अगर देखें तो क्लॉज बी में क्या बताया गया है ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी और सो डिस्टर्ब एज द बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स और इसका सी जो देखें सी पार्ट क्या बात करता है सी पार्ट बात, कर, बात करता है दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट तो यह देख लीजिएगा आर्टिकल थर्टी नाइन ओवर द कंफर्ड बाई द आर्टिकल फोर्टीन और आर्टिकल नाइनटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सही बात किया गया कि प्रिवेसी जो गिवन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी क्लॉज बी और क्लॉज सी में दिया गया आर्टिकल थर्टी नाइन में इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ ओवर द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड इन आर्टिकल फोर्टीन बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नाइनटीन जानते ही हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह जो भी बात किया गया एटसेक्ट्रा ओके तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कम टू नेक्स्ट वन प्रेजिडेंट हैज़ नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के अपॉइंटमेंट में द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नर आर चार्ज टू क्या हो जाएगा कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ स्टेट क्योंकि गवर्नर का कॉन्सोलीटेड फंड फंड ऑफ स्टेट से इनकी जो सैलरी अलाउंसेज जाती हैं वहीं से जाती हैं हु एमंग ऑफ़ द फॉलोंग होल्ड हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट हु ऑफ द फॉलोविंग होल्ड हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट चेयरमैन ऑफ यू पी एस सी देखिए प्रेजिडेंट के प्लेजर पर कौन ऑफिस होल्ड करते हैं अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो करते नहीं एडवोकेट जनरल अटोर्नी जनरल जो सेंटर में होते हैं यूनियन में और एडवोकेट जनरल स्टेट में पता ही है आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा पता ही है ये नहीं होगा लेकिन यूपीएससी का जो चेयरमैन है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा बाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नन ऑफ दताइए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा कम टू नेक्स्ट वन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ओके कम टू नेक्स्ट द प्रेजिडेंट रूल अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स रिमेन्स वैलिड इन द स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ ये हो जाएगा फोर मैक्सिमम पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स अभी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आया था प्रेजिडेंट से रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको छः महीने से लेकर तीन साल तक ये होता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग थ्री फिफ्टी सिक्स क्लॉज फोर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार मैंने देखा था थ्री सिक्सटी थ्री फिफ्टी सिक्स क्लाज फोर ही होगा उसमें बताया गया छः से तीन साल के बीच में मैक्सिमम तीन साल तक हो सकता है और लंबे समय तक सबसे कहाँ लगा हुआ था मैंने अभी बताया था आपको कम टू नेक्स्ट वन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज जो मिले हुए हैं ये फंडामेंटल राइट right के तहत नहीं आता है ओके अर नॉट सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट कौन सा केस में बोला था गणपति वर्सेज हसफ्यूजुल हसन ओके okay, एम एस एम शर्मा वर्सेज सिन्हा सर्च लाइट केस के नाम से जाना जाता है यही वाला जो कि इसका आंसर है 560 का तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसको सर्च लाइट केस से भी जाना जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिवेलेजेज है जो कि एक विषय वस्तु नहीं है फंडामेंटल राइट right का फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात नहीं करता कम टू नेक्स्ट वन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर विधानसभा विधान परिषद विधानसभा एंड विधान परिषद गवर्नर एंड विधानसभा नन जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है क्या कंसिस्ट होता है जैसे पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है ना लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट तो इसमें क्या हो जाएगा फाइव सिक्सटी वन का देखिए ये स, ये हो जाएगा गवर्नर है विधानसभा है विधान परिषद है बहुत सारे स्टेट में ज़्यादातर स्टेट में वहाँ पे विधान परिषद नहीं है विधानसभा ही केवल होता है अब जैसे बिहार हो गया वहाँ विधान परिषद है महाराष्ट्र हो गया वहाँ भी शायद विधान परिषद है तो ऐसे बड़े बड़े राज्यों में है अभी भी विधान परिषद कम टू नेक्स्ट वन द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज टू बी नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 देखिए ये क्वेश्चन जब कभी भी आएगा नंबर ऑफ सीट्स को लेकर कि विधानसभा विधानसभा यानी कि जो जो राज्यों में जो विधान मंडल होता है जहाँ राज्य को एक स्टेट को चलाया जाता है पार्टिकुलर राज्य को तो वो विधान मंडल जो होता है उसमें मतलब नंबर ऑफ सीट्स कितने होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया गया है देखिए 60 और 500 के बीच में होना चाहिए 60 से कम नहीं होना चाहिए पर एक्सेप्शन केसेस में 32 सीट्स भी है हमारे यहाँ 40 सीट्स भी हैं हमारे यहाँ ओके 30 सीट्स भी है हमारे यहाँ okay, तो ये बीस का आंसर हो जाएगा अब इसके बारे में बताता हूँ सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में थर्टी है गोवा की बात करें तो गोवा में चालीस है गोवा में चालीस है अगर बात करें पुडुचेरी का पुडुचेरी में कितना है वहाँ भी पौंडीचेरी पुडुचेरी पौंडी जो बोलिए उसमें भी तीस है ओके सिक्किम कंटेंस थर्टी टू सीट्स गोवा कंटेंस फोर्टी पुडुचेरी पौंडीचेरी कंटेंस थर्टी एंड वेन वी टॉक अबाउट यू टी डेली देली में सत्तर है याद रखिएगा और अगर मैक्सिमम विधानसभा की अगर सीट्स बात, बात करें तो वो यूपी में है चार सौ कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना ही है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें और भी अगर जानना है तो त्रिपुरा की अगर बात करें त्रिपुरा में साठ है अरुणाचल प्रदेश में साठ है याद रखिएगा त्रिपुरा में साठ है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में साठ है तो साठ से नीचे वाले जो स्टेट है सिक्किम गोवा पुडुचेरी ओके okay, तो ये याद रखिएगा ये चीज को कम टू नेक्स्ट वन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिच ऑटोमेटिकली बिकम सस्पेंडेड ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज आर्टिकल 19 21 के बारे में अभी भी बहुत सारे केस चल रहे हैं 21 पे कि जब इमरजेंसी लागू होता है तो आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो इसके बारे में जाना ट्वेंटी वन बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके नाइनटीन बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये जाहिर सी बात है ये तो चला ही जाएगा जब इमरजेंसी लगता तो है तो सस्पेंड ही हो जाता है ओके कम टू नेक्स्ट वन प्रोरगेशन ऑफ द हाउस मींस अभी यह भंग करना होता है स्थगित कर देना द सेशन ऑफ़ द हाउस हैज़ बिन टर्मिनेटेड इसका आंसर हो जाएगा प्रोरोगेशन की बात कभ, जब सॉरी प्रोरोगेशन का जब कभी भी बात किया जाएगा <laughs> तो सेशन ऑफ द हाउस हैज बिन टर्मिनेटेड हो जाएगा इसमें ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल मनी के लिए स्पेशल प्रोसीजर है 565 में इसका लगाएंगे ए मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल लोकसभा में मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूसली इन लोकसभा एंड इट डजेंट मैटर अगर वो राज्यसभा से पास हो रहा है इफ द मनी बिल पास फ्रॉम द राज्यसभा अगर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो 14 डेज का टाइम पीरियड मिलता है राज्यसभा हैव है 14 टाइम पीरियड एंड अगर 14 डेज के अंदर अगर वो रिजेक्ट करते एक्सेप्ट करते इट डजेंट मैटर अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है देन वो अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है समझ गए ओके कम टू नेक्स्ट वन द अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ वॉट प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट नन अब अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इनका जो ऑफिस होता है इन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट होता है ओके okay, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अब अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी कौन है के के वेणुगोपाल के के वेणुगोपाल सिंस 2017 और अटोर्नी जनरल सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे ये भी कई बार पूछता है सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे तो ये रहे थे मेसी सेटालवर्ड ओके okay, मेसी सेटालवर्ड सेटालवर्ड जो थे उन्होंने उनका जो टेन्यूवर था थर, थर, थर्टीन ईयर्स तक वो लंबे समय तक रहे और ये उन्नीस से लेकर 1963 तक यानी 1950 टू 1960 सिक्सटी एम सी सेटलवर्ल्ड रहे इनका जो कार्यकाल था यानी हिंदी में कह सके तो समझ गए चलते आगे कम टू नेक्स्ट वन द रूल ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन बाय टू थर्ज मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन इंपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट नन ये हो जाएगा इंपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट की अगर बात करें तो टू थाउजेंड मेजोरिटी होना चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन अ केस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम टू नेक्स्ट वन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ नॉन रिजर्व क्लास ट्रांसप्लांटेड बाई एडोप्शन और मैरिज और कन्वर्जन सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट जो भी व्यक्ति बिलोंग कर रहे हैं नॉन रिजर्व क्लास से ट्रांसप्लांटेड बाई एडोपन और मैरिज और कन्वर्जन ऑफ एनी अदर वॉल्ट्रली एक्ट टू द फैमिली टू द रिजर्व क्लास अब कोई नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है मान लीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है अब वो कन्वर्ट हो गया यानी कन्वर्जन हो गया एस में कर लिए एस में कर लिए यानी ओ में भी कर लिए अगर वो तो तो रिज़र्व कैटेगरी में अगर उन्होंने कर लिया एनी अदर वॉल्ट्रिल कोई भी मतलब विलफुली कर लिया फैमिली एंड एंड क्लास डज नॉट बिकम इलीजेबल टू बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इधर इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड फिफ्ट क्लॉज 4 जैसे कि अभी मैंने बताया कि 15 क्लॉज 4 में क्या बात करता है ये बात करता है एस सी को अपलिफ्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए इकोनॉमिकली पीछे है माइनॉरिटीज़ के लिए कि अगर एजुकेशनली अगर वो पीछे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए फ़िफ्टीन क्लॉज फोर में इसकी बात करती है एस टी एस टी एस सी एस टी के लिए एंड सिक्सटीन क्लास फोर में बात करता है ओ बी सी के लिए ओके okay. तो ये कहा गया कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फिफ्टीन क्लास फोर में भी नहीं मिलेगा सिक्सटीन क्लास फोर में ही नहीं में भी नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का इंसान वॉलेंट्रली या फैमिली जनरल कैटेगरी से कोई बिलोंग कर रहा है नॉन रिजर्व कैटेगरी से नॉन रिजर्व क्लास से बिलोंग कर रहा है और वो एस में चला जाता है वॉल्ट्रली एस में चला जाता है ओ में चला जाता है और वो रिजर्वेशन के लिए वो करता है कि रिजर्वेशन का मांग करता है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कौन से केस में कहा गया था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कुमारी माधुरी पटेल वर्सेज एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट बालसम्मा पाउल वर्सेज कोचिंग यूनिवर्सिटी एम डी काकेश्वर वर्सेज विश्वनाथ पांडू वार्दे कौन सा केस था ये केस है सी बालसम्मा पाउल वर्सेज कोचिंग यूनिवर्सिटी बालसम्मा पाउल वर्सेज कोचिंग यूनिवर्सिटी आप इसको याद रखिएगा इस केस में ये चीज़ की जिक्र की गई थी कम टू नेक्स्ट वन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट और ट्राइब्स एज अ शिड्यूल्ड ट्राइब्स इज द इसका पावर है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के पास ओके कम टू नेक्स्ट वन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंजॉयज़ द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई यही वाला होगा आंसर राइट टू वोट ओनली इन द केस ऑफ़ टाई ओके अगर टाई हो गया तो इस केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा ये राइट right को इन्जॉय करते हैं यानी कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा जब वोटिंग हो रहा होता है किसी चीज़ पे अगर वो वोटिंग टाई कर गया यानी बराबरी पे पहुंच गया तो वो लोकसभा स्पीकर के पास राइट है कि वो वोटिंग देकर किसी भी पच या विपच जो भी दो साइड में किसी को भी वो वोट कर सकते हैं उनकी अपनी राइट है ओके इन केस ऑफ टाइम है कम टू नेक्स्ट वन सॉरी नेक्स्ट वन अब है ही नहीं है थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल